राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए। यही नहीं, आरएलडी के इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के बाद हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए लोकदल इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ और आज लोकदल के कार्यकर्ता भी न्याय यात्रा में शामिल दिखे। देखिए तस्वीरें। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अलीगढ़ लोकसभा सीट पर 5 बार चुनाव जीत चुकी है। पिछले चुनावों में कांग्रेस का ग्राफ भले ही गिरा हो मगर सपा की स्थिति मजबूत रही है। न्याय यात्रा में गठबंधन को ऑक्सीजन मिलेगी, इसीलिए कांग्रेस के साथ सपाइयों में भी जोश नजर आ रहा है और लोकदल का साथ मिलने से गठबंधन और मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह भी शामिल हुए। वो एमएलसी भी रह चुके हैं। उनके पिता राजेंद्र सिंह किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के खास माने जाते थे। शमशाद मार्केट इलाका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नजदीक है। यहीं पर राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस की इस यात्रा में सपा के जिला और महानगर अध्यक्ष को भी निमंत्रण दिया गया था। उधर कांग्रेस ही नहीं, सपाई भी यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन भर भाग दौड़ व जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। शनिवार को राहुल और प्रियंका की सुरक्षा टीम भी अलीगढ़ पहुंच गई, जिसने पूरे दिन न्याय यात्रा मार्ग व सभा स्थल पर होमवर्क किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सब माइनॉरिटी को मिला दो, सिख मुसलमान क्रिश्चियन जैन सबको मिला दो, इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना, ठीक है। तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है, उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। छोड़ो, शायद आप लोग 90% लोग कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं, आपके सीनियर मैनेजमेंट में एक बंदा नहीं, ठीक है। अब आप कहो, पता नहीं, शायद कहो कि भैया 90% को प्राइवेट कंपनी में नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? कितने? 0, ठीक है। बड़े बड़े रिपोर्टर के नाम देखो, ये सब के नाम लिस्ट निकालो, इसमें से 90% के कितने? कितने? 0।